ये तो आउटस्टैंडिंग सी चीज है। तो देखो जब जब ये साउंड के साथ चलेगी तो कुछ इस टाइप से लगेगी। ओह मैन, दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आजकल इतना ज़्यादा शौक है लोगों को और ज़रूरत भी है कि कुछ कंपनीज जो हैं वो ऐसे नए नए प्रोडक्ट लेके आ रही हैं। तो हमारे सामने इस वक्त है कोमाकी की एक क्रूज़र मोटरसाइकिल जिसकी रेंज भी काफ़ी अच्छी है और इसका जो चार्जिंग टाइम है वो भी काफ़ी कम है। तो ये जो मोटरसाइकिल है ये प्रॉपर तरीके की एक पूरी क्रूज़र, एक नेटिव क्रूज़र टाइप ये मोटरसाइकिल बना रखी है। अगर इसके ब्लिंकर्स खोल दूँ और मैं अगर इस पर बैठूँ तो ये देखिए जो इसका लुक है वो एक प्रॉपर क्रूज़र टाइप लुक है, जो मैं भी बैठ के इस वक्त काफ़ी इम्प्रेसिव अच्छा लग रहा होगा। तो कुछ इस टाइप की ये मोटरसाइकिल है यहाँ से सामने से। अब अगर सबसे पहले इसके डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन जो कंपनी ने सोचा और जो कंपनी ने दिया है वो एक प्रॉपर क्रूज़र बनाने की इसको कोशिश की गई है। हम जो इलेक्ट्रिक बाइक्स देखते हैं अभी तक वो कम्यूट के लिए बनाई जाती है, बट ये वाली जो है ये क्रूज़र मोटरसाइकिल की आत्मा जो है आपको इसके अंदर मिल जाएगी एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ। पहले के टाइम में क्रूज़र मोटरसाइकिल्स देखते थे तो उसके अंदर तीन लाइट्स होती थी। वैसे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें याद आ रही होंगी इसके बेस पे। एक बीच में लंबी लाइट होती थी जो कि कुछ इस टाइप की इसकी शेप होती थी, अगर इसको साइड से दिखाएं तो कुछ इस टाइप की इसकी शेप होती थी। उसमें दो ब्लिंकर्स होते थे जो कि ये वाला जो लुक है इसको और ज़्यादा इन्हेंस कर देते थे। तो जब ये चीज़ें इन्हेंस जाती थी फिर सस्पेंशन के ऊपर काम होता था, सस्पेंशन पतली ना हो जिससे कि लुक ख़राब हो जाए, तो इस वजह से ये मोटी सस्पेंशन कवर्स वगैरह यूज़ किए जाते थे। तो इसके अंदर भी कुछ वैसे सही इसका चार्म जो है, जो फीलिंग है इसकी वो दिख रही है यहाँ पे विद अलॉय व्हील्स। सो मैसिव लुक के साथ जो रिम्स हैं और जो टायर्स हैं वो भी राल्को के, और ये जो आप देख रहे हैं कुछ ऑन रोड और ऑफ रोड मिक्स वाले टायर्स हैं इसके अंदर की, जो इसका लुक है और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। ये जो रिम्स देख रहे हैं ये भी काफ़ी मॉडर्न टाइप के, मतलब मॉडर्न लुक वाले इसके अंदर रिम्स हैं विथ डिस्क ब्रेक। अब जब किसी प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया जाता है तो उसके सबसे पहली बातचीत होती है कि लुक्स, अगर लुक्स अच्छे नहीं हैं तो वो पहले मार्केट में आने के बाद उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो लुक्स हैं, जो ड्राइवर साइड वाले लुक्स हैं, कुछ इस टाइप के मिलते हैं। इनफैक्ट ये जो कंट्रोल्स हैं, अगर कंट्रोल्स की तरफ देखें तो ये इसके मोड है 1, 2, 3। वैसे हम ज़्यादातर में देखते हैं कि इस टाइप के स्लाइडिंग बटन होते हैं या फिर स्विचेस होते हैं रेड कलर के, बट इसके अंदर देखिए जो 1, 2, 3 वाले मोड हैं वो भी, जो बटन की जो क्वालिटी है अच्छी लग रही है इस वक्त। यहाँ पे लाइट के स्विच हैं और ये वाला जो बटन आप देख रहे हैं ये रिवर्स मोड है। तो जैसे ही मैं इसको रिवर्स में क्लिक करता हूँ तो ये, मतलब अगर इसका बटन मैं दबाऊँ तो ये पीछे की तरफ चली जाएगी। ये इसका क्रूज़ कंट्रोल वगैरह है। कुछ इस टाइप की इसकी कीज़ हैं, तो कीज़ का डिज़ाइन तो काफ़ी औसम है। ये देखिए कुछ ट्रांसफार्मर टाइप्स, और यहाँ से अगर इसको इसकी की लगाते हैं तो डिजिटल मीटर में आपको सारी इसकी बैटरी या जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको ऑलमोस्ट इसके अंदर मिल जाएगी। अब जिन लोगों को शौक था पहले कि मैं एक क्रूज़र बाइक ओन करूँ और अभी तक वो शौक पूरा नहीं हुआ है, तो कुछ ऐसी मोटरसाइकिल हैं जो कि ऐसी लगती हैं कि हाँ हैवी है और भारी भरकम है और इलेक्ट्रिक भी है। इट मीन्स कि ये काफ़ी किफ़ायती हैं, आप घर में ही चार्ज कीजिए इसको और बस ले जाइए कहीं भी घुमाने के लिए। तो उन लोगों का शौक भी पूरा हो सकता है। कुछ जो टीन एजर्स हैं जो कि कॉलेज जाते हैं या फिर स्कूल जा रहे हैं, या स्कूल तो खैर लेकर नहीं जाएंगे, कॉलेज जाते हैं, इंस्टीट्यूट जाते हैं, तो वो इन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रैवल में। और सबसे अच्छी चीज़ है इसके अंदर कि ये 150 से 180 किलोमीटर का इसका रेंज है, यानी कि काफ़ी अच्छा रेंज है। अब अगर मैं यहाँ दिखाऊँ एक बार मोड में, तो इसमें ये तीन मोड हैं। अगर आप इसके फर्स्ट मोड पे चल रहे हैं तो ये 180 किलोमीटर का रेंज देगी, सेकंड पे चल रहे हैं तो थोड़ा सा कम दे देगी, और अगर थर्ड पे चल रहे हैं तो फिर ये 150 किलोमीटर का ये रेंज दे सकती है। अब अगर इसके डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन में यहाँ पे देखिए क्रोम ट्रीटमेंट है विद ये जो ब्लैक, ये जो ब्राउन और टैन कलर की जो सीट है काफ़ी कम्फर्टेबल है। ब्लैक क्रोम का जो कॉम्बिनेशन है ये तो प्रूवन है ही, काफ़ी अच्छा लगता है। अब अगर एक क्रूज़र मोटरसाइकिल है और इसके अंदर क्रूज़र वाली फंक्शनैलिटी ना हो, इट मीन्स कि उसके अंदर लगेज कैरियर ना कर पाए, तो फिर क्या ही फ़ायदा उसका। तो यहाँ पे ब्यूटीफुली डिज़ाइन स्मॉल ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं साइड बॉक्सेस, ये आपको यहाँ पे मिलते हैं लगेज कैरियर के तौर पे। अब एक इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग सा फीचर है जो कि है आपको जो रिलैक्स देगा, मतलब रिलैक्सेशन करवा सकता है, वो क्या है, वो इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के अंदर ये साउंड है। ये देखो क्रूज़र के अंदर भी आपको ये साउंड मिलेगा, अगर मैं इसको चलाऊँगा तो ये कुछ ये तो आउटस्टैंडिंग सी चीज़ है। तो देखो जब जब ये साउंड के साथ चलेगी तो कुछ इस टाइप से लगेगी। ओह मैन, मतलब अगर हम कोई चीज़ ड्राइव कर रहे हैं उसके अंदर बिल्कुल भी साउंड नहीं है तो ये एक ना सेफ भी नहीं होता है, कोई भी किसी को पता नहीं चलता है, जो रास्ते में लोग चल रहे हो तो उनको पता नहीं चलता है। लेकिन अगर इस टाइप का कोई साउंड हो तो फिर क्या ही कहने। और इसको रेव भी कर सकते हैं, जैसे आपने इसको अगर नहीं चलाना तो इसको
इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का साउंड इस टाइप का भी हो सकता है। अब इसकी और डिटेल जानने के लिए बुलाते हैं सेल्स मैनेजर को, जो कि है अविनाश भारद्वाज। कैसे हो सर? बढ़िया। कुछ बता दो मोटरसाइकिल के बारे में, ये बड़ी अच्छी सी लग रही है। इसको मोटरसाइकिल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इसको क्रूजर बाइक, कंप्लीट क्रूजर बाइक। अच्छा, क्या क्या है इसके अंदर फीचर और ये मतलब कितने की पड़ती है, चार्जिंग टाइम क्या है, तो थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्राइब कर दो इसको। सर सबसे पहले तो हम इसमें बताना चाहेंगे कि इसकी लोगों की डिमांड है कि एवरेज इनको बहुत अच्छी चाहिए, ठीक है। तो इसकी जो एवरेज है वो आती है इसकी थर्ड मोड के अंदर 150 की। अगर पर्सन जो है कस्टमर इसको फर्स्ट मोड पे चलाना चाहता है तो उसकी एवरेज आएगी 180 प्लस। ये इसके अंदर हमें हैवी टायर्स दे रखे हैं, अलॉय व्हील्स आ रखे हैं इसके अंदर सारे कंप्लीट। शॉकर्स हैं, हैवी शॉकर्स हैं इसके अंदर। आगे डिस्क ब्रेक दे रखी है, कंप्लीट एलईडी लाइट्स दे रखी है। ये इसका कंप्लीट डिजिटल मीटर दे रखा है इसके अंदर। इसके अंदर आपको जितनी भी स्पीड्स है, बैटरी है, वोल्टोमीटर, गियर सिस्टम, मोड सिस्टम, सब कुछ यहाँ पर आपको शो कर रहा है, ठीक है। और ब्रेक्स, उसके बाद ये इसकी आपकी फ्रंट डिस्क ब्रेक है, ABS डिस्क ब्रेक की। ये इसकी बैक वाली डिस्क ब्रेक है। ये इसमें हमने ब्लूटूथ मोड दे रखा है, इसको आप मोबाइल से कनेक्ट करके और उसके अंदर म्यूजिक सिस्टम ये सब कुछ आप चालू कर सकते हैं। अच्छा, जब सारे फीचर यहाँ पे हैं तो फिर ये क्या है यहाँ? ये थोड़ा सा इसको लुकिंग, इसका स्टाइल्स बनाने के लिए थोड़ा सा फीचर्स दे रखे हमने दिखाने के लिए, कि मतलब लोगों को ऐसा ना लगे कि पूरी प्योर ये इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है, वो कुछ ऐसा सा लगे हाँ वो पेट्रोल की भी जगह है, तो मतलब लोग जो है वो कंफ्यूज रहे, हाँ, है ना। और इतने बड़े विंड स्क्रीन के साथ में आपने इसको मतलब बनाया हुआ कंपनी ने, इसको क्रूजर स्टाइलिश बनाने के लिए इसलिए हमने ये सब दे रखी विंड शीट। सीट के बारे में कुछ बताइए। सीट इसकी आप देख सकते हैं पूरी स्टाइलिश सीट है, कंफर्टेबल सीट है। पीछे की बैकरेस्ट दे रखी है जिससे जो पीछे जो पर्सन बैठे वो आराम से इजिली कंफर्टेबल होके बैठे। अच्छा, और क्रूजर मोटरसाइकिल में होता है कि लगेज कैरियर बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, तो उसके लिए लगेज कैरियर हमने ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर। ये मैं आपको दिखा देता हूँ ओपन करके, आराम से लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं आप तो ऑन देख सकते हैं। अच्छा, तो मतलब आप इसमें अपना नॉर्मल एक सामान रख सकते हैं। ये एक ऑप्शन इधर दे रखा है, एक लगेज कैरियर हमने इधर भी दे रखा है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे भी है, तो मतलब दो दो लगेज कैरियर है। जब तक हम ये इसको साइड स्टैंड को साइड से हटाएंगे नहीं, तब तक ये मोड में नहीं आएगी, रनिंग सिस्टम में नहीं आएगी। अब ये ये चीज मुझे सबसे बढ़िया लगी, आप बैक करेंगे साउंड देख लीजिए। इसमें जो हमने मोटर दे रखी है, आप ये देखेंगे पीछे, इसमें जो है ये पीछे मोटर दे रखी है टायर में हब में, ये 4000 वॉट की मोटर है इसके अंदर। अच्छा। जो उसको बहुत पावरफुल बनाती है। और बैटरी इसके अंदर जो है 72 वॉल्ट 50 एएच की बैटरी है, लिथियम बैटरी है, ठीक है। चार्जिंग टाइम, और चार्जिंग टाइम है इसका 5 to 6 आवर्स। 5 to 6 आवर्स के अंदर ये 0 to 100 हो जाएगी, 180 किलोमीटर सिंगल चार्ज, 180 किलोमीटर हो जाएगी 5 to 6 आवर्स। कुछ ऐसी चीज़ है जो कि कस्टमर इससे अट्रैक्ट होकर यहाँ पे आ रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि भाई इसके अंदर ये भी है या फिर वो भी है या फिर क्या चीज़ है इसके अंदर? कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए इसके अंदर सब कुछ दे रखा है, कुछ बचा नहीं है इसके अंदर कुछ देने के लिए, कुछ बचा नहीं, हाँ सब कुछ है। अच्छा, और इसकी एवरेज, इसकी स्पीड, इसकी जो सब कुछ, इसका क्रूजर बाइक का आप देख सकते हैं। तो कस्टमर को मतलब इससे बहुत अट्रैक्ट होता है, कुछ उसको पूछने के लिए बचता नहीं है इसके अंदर। कोमाकी के जो शोरूम है ऑल ओवर इंडिया के अंदर है। अच्छा, ऑल ओवर इंडिया। और ये दिल्ली में कहाँ है जहाँ पे हम अभी खड़े हैं? दिल्ली में अभी ये झंडे वालन में है जो शोरूम है हमारा, झंडे वालन में रानी झांसी रोड, ये आप एड्रेस देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये कुछ इनकी डिटेल है, तो अगर आप इस बाइक के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, यही था इस कोमाकी इलेक्ट्रिक बाइक का जो ओवरव्यू है और किस टाइप की ये बाइक है। मतलब काफ़ी बल्कि बाइक है, इलेक्ट्रिक बाइक है, नो डाउट। हाँ, जितने पैसे में मिल रही है उसके हिसाब से तो ठीक है, इलेक्ट्रिक बाइक्स ऐसी ही होती हैं। तो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारा काम था आपको ये वीडियो बना के दिखाना, आपका काम है। अगर अच्छा लगा हो, कुछ नॉलेज मिली हो, तो शेयर्स कर दो, लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। चलो, बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडियन। बाय बाय।